बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मैं हूं कमाल और आज मैं हूं डिवाइन फूड कॉर्नर पर, जहां पर वैसे तो बहुत ही अलग अलग लेकिन बहुत ही मज़ेदार किस्म के फूड आइटम मिलते हैं। इसमें यहां का चाइनीज़ है, उसके अलावा फास्ट फूड है और बहुत सारी अलग अलग किस्म की जायकेदार हांडीज भी हैं। लेकिन हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे यहाँ की जो एक बहुत ही फेमस हो रही है, चिकन रेशमी पनीर हांडी, जिसको लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो चले हम भी देखते हैं कि किस तरह से तैयार की जाती है, इसका जायका वाकई में कैसा है, इसकी प्राइस है और आपको बताऊंगा इसकी सही लोकेशन के बारे में भी। तो फिर चले स्टार्ट करते हैं। इमरान ऐसा नाम। अच्छा, और ये रेस्टोरेंट का नाम क्या है? डिवाइन फूड कॉर्नर। अच्छा, और ये आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं और लोग क्या पसंद करते हैं? हमारे पास जो है काफ़ी रेंज है, इसमें हमारे फास्ट फूड भी है और बारबेक्यू है, चाइनीज़ है, हांडी है, कढ़ाई है, ये सारे कंप्लीट हमारे पास आइटम है। और हमारी जो स्पेशलिटी जो अभी सर्दियों में काफ़ी रही है, वो हमारे पास चिकन कॉर्न सूप है, हॉट एंड सॉस सूप है, थाई सूप है, ये सारी हमारी सर्दियों में काफ़ी स्पेशलिटी रही है। और दूसरा ये है कि अभी गर्मियों में भी काफ़ी हमारे सूप वगैरह चल रहे हैं। अच्छा, हमने ये आपकी चिकन रेशमी हांडी की बहुत तारीफ सुनी है, जी जी, वो टेस्ट करने हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं। चिकन रेशमी हांडी हमारी जो है स्पेशलिटी है यहाँ की, ठीक है, और लोग यहाँ पर काफ़ी लाइक भी करते हैं इसको, हांडी को। और इसमें हमारे पास और भी किस्म की हांडियाँ हैं, यानी अचारी हांडी भी है, आपके दरबारी हांडी भी है, और चिकन ग्रीन हांडी भी है, वाइट हांडी भी है, ये सारी हांडियाँ हैं हमारे पास। अच्छा, ये हमारे व्यूअर्स को आप यहाँ की लोकेशन के बारे में भी गाइड करते हैं? लोकेशन जो है ये गुलशन ब्लॉक 6 है और नियर टू इब्न सीना हॉस्पिटल है, टाइम स्क्वायर ये बिल्डिंग का नाम है, ठीक है, उसी के नीचे ये रेस्टोरेंट है। चले ठीक है, ये हम ट्राई करते हैं और आपको बता दें हमें कैसे। बिल्कुल ज़रूर, थैंक यू। तो दोस्तों, ये हमारी गर्मा गर्म रेशमी पनीर हांडी तैयार होकर आ चुकी है और जो उनकी प्रेजेंटेशन है उसके लिहाज से तो काफ़ी यम्मी सी लग रही है। तो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका सीन है। ज़बरदस्त। अच्छा, जो इसको पकाए हुए भी काफ़ी टाइम हुआ है लेकिन अभी तक इतनी ज़्यादा सिजलिंग कर रही है, तो यही चीज़ ज़बरदस्त है इसकी। तो टेस्ट करते हैं इसका टेस्ट कैसा है। साथ में हमने मंगवाए हैं यहाँ के फेमस गार्लिक नान, क्योंकि इन्होंने यहाँ के जो ओनर, उन्होंने बताया कि इसका जो मेन जायका आता है वो इसी गार्लिक नान से आता है।
तो फिर टेस्ट करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त, आउट क्लास, बहुत ज़्यादा क्रीमी है, बहुत मज़ेदार है। अच्छा मैं आपको इसका टेस्ट बताऊं, जब आप इसकी पहली बाइट लेते हैं तो फौरन से जो आपके मुंह में आता है वो आता है फुल चीज़ी, फुल क्रीमी, बहुत मज़ेदार सा जायका, फौरन से आपके मुंह में घुल के ना ब्लास्ट सा होता है, तो बहुत मज़ेदार है। और जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने इतने ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स इसमें ऐड नहीं करे हैं, सिर्फ चिकन है, क्रीम है, चीज़ है और कैप्सिकम और अनियन ऐड करे हैं और ब्लैक पेपर है, तो वो टेस्ट आपस में मिलके इतना ज़्यादा है जो बहुत सारे स्पाइसेस ऐड करके भी नहीं आता, वो टेस्ट है इसमें, बहुत मज़ेदार है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपको इसकी प्राइस बता दूँ, इसकी प्राइस है हाफ़ की 1000 रुपीज़, और मुझे लगता है कि जो इसका जायका है तो उस तरह से काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल है इसकी प्राइस। तो अगर आप आना चाहें यहाँ पर डिवाइन फूड कॉर्नर पर तो आप ज़रूर आएँ और इस रेशमी पनीर हांडी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। और उसके अलावा भी इनके पास जो चाइनीज़ है और दूसरे आइटम मौजूद है फास्ट फूड में, उनको भी ज़रूर ट्राई करें, वो भी अच्छे लगेंगे। और यहाँ के ऑनर ने हमें ख़ास तौर पर बताया कि बहुत जल्द यहाँ पर एक लबनानी बोटी और सी फूड भी लॉन्च होने वाली है, तो इंशाल्लाह उसको भी ट्राई करेंगे हम, और आप भी ज़रूर आके ट्राई करिएगा। तो फिर इसी के साथ ही आज के व्लॉग का एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।